अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हीट कैपेसिटी का था। और हीट कैपेसिटी के टॉपिक में हमने एक ड्रॉबैक देखा कि अगर हम सेम सब्सटेंस को रखते हुए मास चेंज कर दें तो उसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है। उसी बात को आज आगे लेके चलेंगे और एक और टर्म स्टडी करेंगे जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस इस हीट कैपेसिटी के साथ स्टूडेंट स्पेसिफिक लग गया। स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस, तो इसीलिए उर्दू में इसको हरारत मखसूसा भी कहा जाता है। या इसका मतलब होता है आसान, खास। और इसको उर्दू में हम बोलते हैं हरारत मखसूसा या खास हरारत। अब इसमें करते क्या हैं, जो हमारे पास मास का इशू था जो हमने लास्ट टाइम देखा कि अगर एक बीकर के अंदर हम पानी भरें और उस बीकर के अंदर जो पानी का अमाउंट है वो 100 ml है और एक और बीकर में अगर हम पानी लें और उसका अमाउंट 500 ml हो, तो आप गौर करेंगे अगर मुझे 20 डिग्री पर वाटर है, ये भी 20 डिग्री पर वाटर मौजूद है और दोनों के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेस करना है मुझे, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि स्टूडेंट बताइए कौन सा वाला पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यकीनन शायद आपका आंसर ये हो कि जो ज़्यादा पानी है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मास को चेंज कर दें, नॉट चेंजिंग द सब्सटेंस, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का अमाउंट चेंज हो जाता है। तो हीट कैपेसिटी मटेरियल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकी इसी वजह से। तो हमने क्या किया, हमने मास को भी क्या करा, कांस्टेंट कर दिया। और कितना कांस्टेंट करा, हमने जब हीट प्रोवाइड की तो हमने मास को कर दिया 1 kg। ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा बार बार, अगर सब्सटेंस चेंज की जाए तो उसके अकॉर्डिंग हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हीट जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी में या टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है हीट से अगर सब्सटेंस चेंज की जाए, और यही टेम्परेचर फिर डायरेक्टली रिलेट करता है, यही हीट डायरेक्टली रिलेट करती है मास से। मतलब अगर मास बढ़ाया जाए तो एब्जॉर्ब होने वाली जो हीट है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ठीक है कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग रिलेशंस 1 and 2, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होगा क्यू प्रोपोर्शन टू डेल्टा टी इंटू एम। और हम जानते हैं यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो इक्वल रिप्लेस होता है विद कांस्टेंट, तो हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल आ जाएगा सी एम डेल्टा टी के इक्वल। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो यहाँ पर भी सी है, ये सी इन एक्चुअल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और इसको मैंने कैपिटल बनाया है, और हीट कैपेसिटी के सिंबल को मैंने क्या बनाया था, स्मॉल बनाया था। ठीक, अगर आप यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सेपरेट करें तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। एम डेल्टा टी राइट से लेफ्ट पे आकर डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप गौर करें तो इस फॉर्मूले में और जो हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी का, उस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जस्ट डिफरेंस है इस मास का, क्योंकि वहाँ पर मास को डिस्कस नहीं किया गया था, फॉर एनी मास था, यहाँ पर मास को भी फिक्स किया गया, कितना, फॉर 1 kg। मतलब अब कोई भी सब्सटेंस हो ठीक, उसका अमाउंट कितना लिया जाएगा, 1 kg, जो प्रॉब्लम था, क्योंकि अमाउंट चेंज करने से एक ही सब्सटेंस की एब्जॉर्बिंग हीट कैपेसिटी जो होती है या एब्जॉर्बिंग हीट जो होती है उसका अमाउंट भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, जिसे पहले किया था हमने, इसको ये था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी।
ठीक। अब यहाँ कैसे रीड करेंगे, यूनिट टेम्परेचर के साथ साथ हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर हमारे पास यूनिट है तो हमने उसके साथ साथ मास को भी क्या कर दिया, यूनिट कर दिया या 1 kg कर दिया। तो हम कैसे कॉल करेंगे अब इसको, हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, मतलब यूनिट टेम्परेचर यूनिट मास का अगर रेस वो हीट जो यूनिट टेम्परेचर यूनिट मास का रेस कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक किस सेंस में कहा जा रहा है, यहाँ मास को हमने कांस्टेंट किया है। ठीक, अगर इसकी यूनिट बनाई जाए स्टूडेंट्स तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो इसकी यूनिट हम देख सकते हैं थोड़ी सी चेंज होगी और इसकी यूनिट हमारे पास आएगी सी इज इक्वल्स टू जूल्स पर किलोग्राम केल्विन या डिग्री। क्या यूनिट आएगी, सी इज इक्वल्स टू जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ठीक, अगर मैं कुछ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट आपसे डिस्कस करूं, मतलब अगर मैं मेटल में कोई मेटल ले लूं कॉपर या मरकरी या लिक्विड में मैं यूनिवर्सल लिक्विड वाटर को कंसीडर कर लूं, तो आप देख सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन अगर मैं करूं आपसे, ठीक, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं 1 kg कॉपर लूं, 1 kg मरकरी लूं और 1 kg 1 kg वाटर ले लूं और सबका टेम्परेचर 1 डिग्री मुझे बढ़ाना हो, तो आप बताएं कौन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो शायद आपका आंसर हो कि कॉपर और मरकरी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो जवाब गलत है। कॉपर और मरकरी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो किसकी होगी, वाटर की होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी होती है, 387.66 और 138.6 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। और पानी की 4180 जिसको अप्रॉक्सीमेट 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट पानी की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में। मतलब पानी बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद अपना यूनिट टेम्परेचर इनक्रीज करेगा फॉर 1 kg। मेटल जल्दी से एब्जॉर्ब करके अपना यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वाटर एज कंपेयर टू दीज मेटल्स इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी टॉपिक को हम रिलेट कर देते हैं अगले टॉपिक से और कुछ चेंजिंग कर देते हैं। जैसे अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कर दें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब अगर मैं यहां पर हेडिंग ऐड करूं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो जैसे मोलर ऐड करा है स्टूडेंट तो मास की जगह हम मास नहीं लेंगे बल्कि उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, अगर बाय फॉर्मूला इसको पढ़ा जाए तो मोलर स्पेसिफिक हीट सी प्राइम बोल सकता हूं मैं, ठीक, तो ये होगी डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। अब इसको रीड कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल इससे रिलेट कीजिए। यहाँ आपने क्या रीड करा था, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। स्टूडेंट दोबारा बताता हूँ, यूनिट का मतलब 1 है, जब आप किसी क्वांटिटी के साथ यूनिट लगाएंगे तो उसका मतलब 1 है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो आप सिर्फ क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे एन शो कर रहा है मोल को, आप कहेंगे 1 मोल
और जो टेम्परेचर राइज होगा वो 1 केल्विन या 1 डिग्री होगा। ठीक, मतलब वो हीट जो यूनिट टेम्परेचर रेस करे, इंक्रीज करे, यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस, दैट स्पेसिफिक हीट कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, हम इसका रिलेशन भी बना सकते हैं स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, या फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ जाएंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, एक रिलेशन बनाते हैं, उसके अंदर ये फॉर्मूला भी जनरेट होगा। उस रिलेशन में आप देखेंगे स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशन बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं स्टार्ट लूँ अपने टॉपिक को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। यहाँ हम जानते हैं स्टूडेंट, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ कन्वर्ट करना है इसको नंबर ऑफ मोल्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन बाय क्या होते हैं, एन इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर हम यहां से मास को सेपरेट करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एन एम। ठीक, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो मैं इसको पुट कर सकता हूं इन इक्वेशन 1, तो आपके पास सी आएगा स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू ओवर एम। एम आपने क्या कैलकुलेट करा, एन एम और डेल्टा टी। अब आप गौर कर सकते हैं कि यहां पर मास रिप्लेस होकर मोल तो आ गया, लेकिन उसके साथ मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास यहां डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एम सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। अब अगर मैं बोलूँ आप राइट साइड देखिए क्या बनी, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, मतलब राइट साइड शो कर रही है किस फॉर्मूले को, मोलर स्पेसिफिक हीट को, लेकिन लेफ्ट पर भी कुछ क्वांटिटीज आ गई। अगर गौर करें लेफ्ट पे जो दो क्वांटिटीज हैं उसमें से एक है एम, ये एम स्टूडेंट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा है सी। स्टूडेंट सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो ये रिलेशन बन गया किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मॉलिक्यूलर मास का। अब अगर मैं कहूं कि लेफ्ट साइड को स्टूडेंट्स रीड करके बताइए जो पहले क्लासेस में हमने सीखा, और रीड कैसे करना है, ऐसे नहीं कि एम मल्टीप्लाई सी या एम सी, नहीं, इसको इन वर्ड रीड करना है। तो इन वर्ड कैसे रीड किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूलर मास है और ये स्पेसिफिक हीट है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने समझा था ये कि मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्पेसिफिक हीट, और वो इक्वल किसके आ रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट मौजूद है और जिस सब्सटेंस की आपको मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो आप उस स्पेसिफिक हीट को उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एज सच कोई नए तरीके से, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसकी कैलकुलेशन की हद तक उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभी छोटा सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर इसकी यूनिट बनाएं तो यूनिट होगी जूल्स पर मोल केल्विन, मास की जगह किलोग्राम की जगह मोल यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अब हम कुछ सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है,
गैस के लिए जब गैसेस को डिस्कस किया जाता है वो सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इसी मोलर स्पेसिफिक हीट को दो हिस्सों में मजीद डिस्कस करेंगे, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट इसी हेडिंग को स्टूडेंट आगे लेके चलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी? तो बहुत आसान सी बात है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी डेल्टा क्यू वी ओवर एन डेल्टा टी। सिर्फ हम सिंबल चेंज करेंगे और वर्ड चेंज करेंगे, क्या वर्डिंग चेंज करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, मतलब हमने पूरी डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट की कॉल की है, बस एंड में स्टूडेंट क्या लगा दिया, लव्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और सिंबॉलिकली हमने कैसे चेंज किया, स्पेसिफिक हीट के साथ मोलर सी वी लगाया शोइंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और क्यू के साथ भी क्या लगा दिया, V लगा दिया। ठीक, यूनिट इसकी चेंज नहीं होगी, वही होगी जूल्स पर मोल, केल्विन या डिग्री। इसी तरह दूसरी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप समझ चुके हैं मेरी बात को तो फिर हम यहां पर सिंबॉलिकली कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ सी के साथ पी रिप्लेस करेंगे सबस्क्रिप्ट में और क्यू के साथ भी पी, और वही जुमले दोबारा से रिपीट कर देंगे, क्या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख के अगर यही प्रोसेस मोलर स्पेसिफिक हीट वाला किया जाए तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या कहलाती है, वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इन दोनों स्पेसिफिक हीट में रिलेशन भी मौजूद है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी किसी क्वांटिटीज का या फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन पूछा जाए या बताया जाए, अगर उनका मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता और तकरीबन करता है, ठीक, तो फिर एक इक्वेशन होगी जिस इक्वेशन में वो क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती होंगी। मतलब कि अगर मैं सीपी और सीवी का रिलेशन बना रहा हूँ तो कोई एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वेशन में आएंगी। तो वो इक्वेशन क्या है, सीपी इक्वल होता है सीवी प्लस आर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ठीक, मतलब कि Cp और Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो जर्नल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, या मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जर्नल गैस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ इस रिलेशन से आप ये बताइए कि कौन सी हीट ज़्यादा होती है, सीपी या सीवी, ठीक, तो शायद आपका आंसर हो के सीपी, या कुछ बच्चों का आंसर हो सीवी। तो समझ लेते हैं इसको, गौर करिए, जैसे सपोज करिए कि सीवी है 10 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन और R कॉन्स्टेंट है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक, तो बताइए Cp का आंसर इस सूरत में क्या होगा, तो यकीनन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो Cv का आंसर होगा 18.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक, ये ऐसे ही मैंने रेंडम न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर आपको समझाया। गौर कीजिए, जब Cv 10 है तो उस सूरत में Cp की वैल्यू 18.314
फोर है। इसका मतलब सीपी हमेशा सीवी से क्या होगा, अमाउंट में ज्यादा होगा। इस रिलेशन को हम आगे जब थर्मोडायनामिक स्टार्ट करेंगे तो हम थर्मोडायनामिक में इसको प्रूव भी करेंगे। इंशाल्लाह यहीं से अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।